अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लैपटॉप पे पेंटिंग करेंगे। बहुत इजी सी पेंटिंग है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों ने किसी कैनवस पे या किसी भी चीज़ पे आप लोगों ने राइट करना है, तो उसको अच्छा दिखाने के लिए आप उसको लाइनिंग ज़रूर दिया करें, ताकि वो एक लाइन में लिखा जाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो। मैंने वैसे कोशिश की थी लाइन के बगैर लिखने की, लेकिन वो अच्छा नहीं लिखा जा रहा था, तो फिर मैंने उसके ऊपर लाइनिंग लगाई। लेकिन इसमें सबसे पहले हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर के ऊपर हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर, फिर उन दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। साइड पे मैंने टेप लगाई थी, हमने टेप साइड पे इस वजह से यूज़ करनी है, जो ये नीचे वाली जगह है ना, वहाँ पे टेप लगेगी, ताकि जो इसका माइक वाला सिस्टम है, जो इसका जिसके अंदर तारे वगैरह लगती हैं, तो वो उसमें पानी वगैरह ना चला जाए, इस वजह से हम वहाँ पर टेप यूज़ करेंगे। अभी मैंने ये पेंटिंग कर ली थी, जब ये ड्राई होगी तो मैंने टेप वगैरह उतार दी थी, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर राइट करेंगे। लेड पेंसिल से इस वजह से राइट करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो उसको हम सही कर लें दोबारा। ये जो ऊपर मैंने लिव लिखा है, ये इसका बिल्कुल सही नहीं बन रहा था, तो फिर इसको मैंने दोबारा रेस किया, उसको फिर मैंने लव के ऊपर बिल्कुल ऊपर लिखा सही से। और पेंटिंग में लेड पेंसिल सबसे पहले इस वजह से यूज़ करनी चाहिए, ताकि हमसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गया तो उसको हम सही कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग लेड पेंसिल से लिखा करें। और फिर मैंने ये लिव को अरेज किया, और इसके फिर मैंने सही से लिखा, लेकिन ये फिर अरेजर के निशान पड़ गए थे थोड़े से, ये फिर ख़त्म नहीं हुए, लेकिन फिर भी सही लग रहा था एंड पे। तो आप बस इसको देखें, बस मैंने वाइट फ्लावर्स ही बनाए हैं और इसमें कुछ खास नहीं किया। और उसके बाद हम लिव लव और लाफ में भी हम कलरफुल बॉल पॉइंट या एक्रेलिक बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे, और उसको हम लिख देंगे। बस हमने फिर यहाँ पे फ्लावर्स बना लेने हैं। ब्रश ही वो मेरे पास बिल्कुल ऐसे वो प्लेन वाला ब्रश नहीं होता, वो था, और उससे इजीली बन रहे थे फ्लावर्स, तो हम अच्छे से बस फ्लावर्स बना लेंगे। सब पे फ्लावर बनाने हैं पूरे लैपटॉप पे। वैसे ये मेरे यहाँ ना आप लोग भी कह रहे होंगे, देखो इस पेंटर को लैपटॉप पर पेंटिंग करने बैठ गई, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इस पर पेंट करें अपनी पसंद का, जैसे मर्ज़ी पेंट करें, और फिर उसके ऊपर आप जो एक्रेलिक रिटार्डर होता है वो यूज़ कर लें। और अगर आपका पेंट ख़राब हो, आप उसको अच्छे से रिमूव भी कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट तो इसके ऊपर से उतर भी सकता है इजीली। ऐसे जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं, अगर वो पेंट हों, जैसे अगर आप पेंटर हैं और आपको अपने आसपास हर चीज़ पेंट की हुई ही अच्छी लग रही है, तो आप लोगों को ज़रूर पेंट करना चाहिए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस लैपटॉप को पेंट करूँ, मुझे मामा कह रही थी कि ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ख़राब नहीं हुआ। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी बात वाली भी वीडियोस शॉर्ट्स बना के। और बस यहाँ पे मैं शॉर्ट बना रही थी, शॉर्ट के लिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर रही थी साथ साथ। बस फिर हम अच्छे से फ्लावर्स बना लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर येलो डॉट्स कर लगा देंगे। वो डॉट मैंने लगाए थे एक्रेलिक पॉइंटर की मदद से। एक्रेलिक पॉइंटर्स जो होते हैं वो अच्छे, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, उससे फिर ये आसानी हो जाती है कि हमें शेप बनानी अच्छी आ जाती है, क्योंकि हम बॉल पॉइंट या पेन या पेंसिल के आदि होते हैं, हमें पता होता है कैसे बनाना है। ब्रश के हम इतने यूज़ टू नहीं होते, ब्रश से हमें चीज़ें बनानी नहीं आ रही होती। एक्रेलिक पॉइंटर्स बेस्ट रह जाते हैं हमें पेंटिंग के दौरान में, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मदद दे देते हैं लाइनिंग्स वगैरह लगाने में, उनको सेट करने में, क्योंकि ब्रश से इतनी ज़्यादा मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे ब्रश इतना यूज़ करना भी नहीं आता। बस फिर इसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं ना वो जो अरेज़र के निशान नज़र आ रहे हैं ना, उसको अरेज करने के लिए मैंने सोचा था कि ब्लू कलर में थोड़ा सा ना वाटर मिक्स करके और उसको ऊपर लगाऊंगी, लेकिन उससे भी नहीं सही हुआ, तो फिर मैंने वाइट फ्लावर्स के ऊपर दोबारा से वाइट कलर कर दिया, वो ब्लू ब्लू हो गया था, तो मैंने उनके ऊपर वाइट दोबारा कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने एक्रेलिक पॉइंटर्स की मदद से लिख दिया। इसको मैंने लिखने के बाद ना डबल किया था, मतलब अगर आप लोगों के सामने मैं बस ये लिख ही रही हूँ ना, इसको मैंने वीडियो बंद करके इसको मैंने डबल किया था, ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। ये देखें, बस इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।